बसमरिम अल्लाम प्रोग्रामानश के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ हमारे साथ मौजूद हैं सैद सफराज शाह साहब हमारी रूहानी हवाले से इस्लामी हवाले से मजहबी हवाले से और हवाले से रनुमाई करते हैं आज भी हम अपने कुछ सवालों के साथ उनकी खिदमत में मौजूद हैं तो बग़ैर तो अल्लाम वालेकाम ने बहुत सी गुफ्तुएं किए इस हवाले से कि इंसान कितना बाख्तियार है कितना बेख्तियार है और बहुत से मौक़ों के ऊपर आपने उसको काफ़ी तशरी उसकी लंबी की है लेकिन एक चीज़ उसी मतलब इंसान के हवाले से हो जाती है कि जो इंसान इतना बाख्तियार है यहाँ तक कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इस दुनिया में एक इजादात की वसी कायनात है जिस तक इंसान ने अपनी रसाई हासिल की है उसको तस्वीर कर ली है ग्लोबलाइजेशन हो गई है लेकिन इंसान दिन बदिन तनहा भी होता जा रहा है और बेसकून भी होता चला जा रहा है इस बेसकूनी की वजह क्या जब उसको इतना कुछ मिल गया फिर वो बेसकून क्यों है ये लोग बहुत सवाल पूछते हैं इसी हवाले से मेरे ख़्याल में हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं इंसान बेसकून क्यों है आज का बसम साहब तस्वफ़ में हम एक बात ये कहते हैं कि इंसान ने अभी तक कोई चीज़ इजाद नहीं की है दरियाफ्त की है ठीक है इसलिए कि ये तमाम चीज़ें जो दरियाफ़त कर रहा है वो पहले से मौजूद हैं इजाद वो होती है जो बिल्कुल एक नई चीज़ को पैदा कर ले लाश में से शेय पैदा की जाए जिस पे सिर्फ अल्लाह का है एक लाश देखा जाए तो जी तो ये सारी चीज़ें जिनको हम इजादात कहते हैं ये दर हकीकत दरियाफ्त हैं ये इंसान को एक आरामदेह पुर आसाइश ज़िंदगी प्रोवाइड कर रही हैं जो मादी चीज़ें हैं वो भी बहुत मैसर आई हैं इंसान को आपने बजा फ़रमाया कि इतना कुछ हासिल हो जाने के बाद भी इंसान इंसान बेसकून है बेचैन है बिल्कुल दुरुस्त है ये बात इंसानी फितरत में जहाँ और बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ हिट्स का एलिमेंट भी है तब वक्त के इंसान उसे कंट्रोल ना कर ले मौजूद है जैसे गुस्सा हर शख्स में है लेकिन कुछ इंसानों को रबला ये तोफ़ी बख्श देता है कि वो अपने गु़स्से पे काबू पा लेते हैं गुस्सा आता है लेकिन पी जाते हैं जाहिर नहीं होने देते इसी तरह हिट्स हमारी जुबिलत में शामिल है हमारे सच में शामिल है लेकिन हम उसे कंट्रोल करते हैं तो जो ज़्यादा चीज़ें हमें मैसर आ रही हैं हमारे अंदर हिस्स बढ़ रही है और की तो ये जो और लाभ वाली बात है इसने हमें बेचैन कर रखा है एक बात तो ये हो गई जो हम साइंसी तौर पर बहुत आगे गए उसका एक लाजमी नतीजा ये पहुंचा कि हमारे यहां मॉरल वैल्यूज से, से एक शिफ्ट ग्रेजुअल शिफ्ट आया है मेटेरियल चीज़ों की तरफ आज से साठ सत्तर साल पहले हम ही थे लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मॉरल वैल्यूज़ थी उन्हीं मॉरल वैल्यूज़ के नतीजे के तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम भी हमारा चल रहा था ये मॉरल वैल्यूज ही थी जो हमें बहुत सी बुराइयों से रोके हुए थी मतलब रिश्वत आज से पचास साल साठ साल पहले का जमाना याद कीजिए जो आदमी रिश्वत ले लेता था वो हर एक से मुंह छुपाए फिरता था जी। कि किसी को पता नहीं चल जाए कि मैं रिश्वत लेता हूँ आज बिल्कुल उसके 180 डिग्रीज अपोजिट हो गया तो ये जो शिफ्ट है मॉरल वैल्यूज से मेटेरियल वैल्यूज की तरफ वो बहुत सी हमारी जिंदगी में बेचैनी को ले आया है अब हम बहुत जल्दी में हैं कि हमें हर चीज़ अभी और इसी वक्त हासिल हो जाए इंस्टेंट रिजल्ट्स मांग रहे हैं mm -hmm. जब वो नहीं पैदा होते इसलिए कि नेचर में रेवोल्यूशन तो कहीं है नहीं नेचर में तो एवोल्यूशन है नेचर का हर काम ग्रेजुअल होता है mm -hmm. लेकिन ठोस होता है हम वो इंतजार नहीं कर सकते mm -hmm. तो जब हम इंतजार नहीं कर सकते तो हमारे अंदर बेचैनी डेवलप होती है ठीक इसका तो हमारे पास सिर्फ एक इलाज है वो ये है कि हम मॉरल वैल्यूज की तरफ लौट जाए तो हमारी नजरों में मेटेरियल चीजों की वक्त खत्म हो जाएगी फिर हम एक अलहेदा से फ्लैग उठा के चलेंगे वो फ्लैग जिस पर हम फख्र कर सकते हैं वो है कि हमारी मॉरल मॉरल वैल्यूज़ ठीक दूसरी बात ये है कि ज़िक्र इलाही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसानी ज़िंदगी में उससे अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है कल्ब को अब इलाही तो हम बहुत कर रहे हैं आप मुझे से गुनागार और दुनियादार से भी पूछेंगे तो मैं आपको एक लंबी फहरिस्त बताऊंगा कि मैं ये ये तस्बीहात करता हूँ मैं नवाफिल आपको बताऊंगा कि हर नमाज के बाद मास असर के मैं हर नमाज के बाद नवाफिल पढ़ता हूँ ठीक है लेकिन वो सुकून नहीं मिलता मुझे जो मिलना चाहिए उसकी बुनियादी वजह है कि जब मैं ज़िक्र में मसरूफ़ हूँ अल्लाह के तो मेरा जहन कहीं और है सोच में कुछ रहा हूँ और तस्बीर रोल रहा हूँ मैं उंगलियों में जुबान मेरी जिक्र कर रही है अल्लाह ताला का लेकिन मेरा दिल और जहन कहीं और फंसे हुए हैं जबकि जिक्र इलाही दिखाता है अच्छा। बशर्ते के हम पूरी तरह यकसू होकर रब का जिक्र करें वो जो यकसुई गायब है हमारे जिक्र में उसकी वजह से हम ठीक वहां से इस्तफादा नहीं कर पाते। वो फायदा हमें नहीं मिलता नहीं। तो अगर हम ये सीख लें कि यकसू होकर इलाही कर सकें ये बुजुर्ग हैं कमाल की विजडम रखते थे अगर जो उसको वो एक्सप्लेन बात कर नहीं करते थे लेकिन कमाल की वो विजडम थी जना भज़रब अख्तियार काकी रहमत ला फरमान है कि इंसान पर लाजिम है कि वो कम से कम लोगों से मिले इसलिए कि जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो उनकी कहीं भी बातों का हम पर असर आता है हमारे ज़हन में घूमती हैं तो जहाँ हम नमाज के लिए खड़े हुए ये शिकायत हम सभी करते हैं कि नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो तमाम ख्याल जो कभी नहीं आए वो भी आते हैं बिल्कुल सही है। तो जब हमारा रबता कम लोगों से होता है तो हम पुरस्कून रहते हैं हमारा जहन यकसू रहता है अगर हमें चैन चाहिए सुकून चाहिए तो हमें फिर इस पर जोर देना होगा कि हम जो वैरायटी ऑफ जिक्र इलाही है वो भले कम करें उसकी तादाद ज़्यादा हो सकती है ठीक लेकिन उसके अंदर यकसुई पैदा कर लें तो आदमी की पर्सनालिटी में हैरान कौन तब्दीलियां आ जाएंगी इससे दुनिया की मोहब्बत आहिस्ता से निकल जाती है दिल से और एक बार जब दिल से दुनिया की मोहब्बत निकली तो इंसान कामयाब हो गया फिर ठीक जी जा दीजिएगा एक ब्रेक के, के लिए ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारी गुफ्तगुस्त सिलसिला जारी रहेगा अभी जा दीजिए ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद अच्छा मगरब में अगर देखा जाए जहाँ पर इंसान ज़्यादा तनहाई का शिकार है तो उसकी तो एक वजह समझ में आती है और वजह समझ में आती है वो ये है कि उन्होंने स्टेट और चर्च के जो बाहमी तसादम है जहाँ पर हकूमत एक तरफ हो गई और महबी अनासर एक तरफ हो गए और मजहबी अनासर ने जो मज़हब की शक्ल बिगाड़ के रख ली थी उस बिगड़ी शक्ल के साथ जब स्टेट ने उनको बाहर निकाल दिया तो एक तरह से तस्वूर खुदा को भी बाहर निकाल दिया उस तस्वुर खुदा को बाहर निकालने से इंसान के अंदर तन्हाई आई और एक स्टेज वो आ गई कि जहाँ वो कहता है कि इंसान और फिर कायनात की वसूत इतनी ज़्यादा हो गई हमने जिसकी पहले बात की कि एक तरफ ये था कि इंसान जो उसके जहन में मौजूद कायनात थी वो छोटी सी थी उसका ऑर्डर तब्दील कर सकता था इधर से चीज़ उठा दी उधर उठा दी और फिर उसको पता चला कि कायनात इतनी वसी है और उसको पता चला कि ये खुदा भी कोई नहीं है क्योंकि तस्वुरा खुदा मज़रू हो गया तो उसने इतनी बड़े खौफ के साथ तन्हाई को पैदा किया कि जिसकी कुहादने जहाँ से नतीजा हम ये निकाल रहे हैं कि अगर हम तस्वूर खुदा को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो फिर उसी तरह की तन्हाई का शिकार होंगे जिस तरह की तन्हाई का मगरबला शिकार हुए हैं इस बारे में कुछ फरमाइए शादा असल में मगरबा ट्रैक से हटा है वो ये है कि उन्होंने ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया एक मज़हब इसको इबादात और दूसरी तरफ दुनियादारी जबकि हमारे दिन में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक हमारे यहाँ दीन एक अकाई की सूरत रखता है एक ऐसी अकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं हिस्सों में नहीं बांट सकते ये आमतौर पर हम सुनते हैं कि साहब मुसलमान का सोना भी इबादत है मोमिन का सोना भी इबादत भी इबादत है।, है वो क्या है इस्लाम हमारी पूरी जिंदगी पर मोहित है हम इस्लाम में दाखिल होते हैं इस तरह से कि हम पूरे के पूरे उसमें दाखिल हो जाए तो जब हम पूरे के पूरे उसमें दाखिल होते हैं तो हमारी ज़िंदगी का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो उससे बाहर हो जाए तो हमारा खाना पीना बोलना सोना जागना सब चीज़ें आप देखिए सबके लिए अहकाम मौजूद हैं सबके लिए एक, सब एक नीयत मौजूद है हमें एक बड़ी शिकायत रहती है जी। कि हम जिससे नेकी करते हैं उसे जूते पड़ते हैं आंश का मैं भी करता हूँ सभी करते हैं दर हकीकत होता क्या है तो नीयत का फर्क आ जाता है अगर मैं किसी के साथ एहसन सलूक करता हूं तो मैं इसलिए करूंगा उसके पीछे दो ही सूरतें हो सकती हैं या तो लोग मुझे अच्छा कहें या जिससे मैं आज ऐसा सलूक कर रहा हूं वो जवाबन मेरे साथ एहसन सलूक करे जबकि होना ये चाहिए कि मेरा मेरी हर नेकी सिर्फ इसलिए हो कि मैं रब के लिए रब को रा, राज़ी करने के लिए कर रहा हूं कि मेरा रब राजी हो जाए जब नीयत मेरी ये हो जाएगी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए तो फिर जिसके साथ मैंने ऐसा सलूक किया है अगर वो मुझे जूते भी मारे तो मुझे फर्क यूं नहीं पड़ता कि मैंने तो जो कुछ किया था किया ही रब के लिए था मेरा मामला मेरे रब के साथ है तो ये तो एक छोटी सी मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी हमें गवर्न करता है हमारा दीन हमारी हर हर चीज़ दीनी एहकाम के मतहत है हमें उसके मुताबिक अपने रवैयों को ढालना है मगरब ने ये नहीं किया मगरब ने दुनिया को अलहदा कर लिया कि ये ये हम डील कर रहे हैं ये रन होगा बिजनेस के असूलों पर रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो हम मगरब ने बना लिए हर एकजा और इबादत को अपने जिंदगी से निकाल के वो एक पर्सनल मामला बना के अलहजा रख दिया उसने यह हर आदमी का ये इंडिविजुअल मामला है।, है इस्लाम में ऐसा नहीं है ठीक तो जब हम ऐसा कर लेंगे जो मगरब ने किया है तो वहां पर एक इंफरादियत नेगेटिव सेंस में आ जाएगी कि जो कुछ मेरा है वो सिर्फ मेरा है जो कुछ आपका है वो सिर्फ आपका है इस पर किसी का कोई हक नहीं है जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा सोसाइटी में हमारी तो हम तन्हाई का शिकार हो जाएंगे क्योंकि वो जो आपस का बॉन्ड है वो बॉन्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया अगर आप इजाजत दीजिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में इसी हवाले से कुछ ये बात करेंगे शायद हमारी ज़िंदगी से बरकत कम हो गई है जिसकी बुनियाद पर हमारे कुछ इस तरह के मसाइल हो जाते हैं जिसमें हम तन्हाई का शिकार होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं शाह पूछेंगे कि बरकत अगर कम होती है हमें महसूस होती है तो उसका क्या इलाज है उसके लिए क्या किया जाए अभी जब जा ब्रेक के लिए ब्रेक की बात अच्छा जैसे मैंने वो अर्ज किया कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो गई है और उसी वजह से खैर ऐसा हो रहा है तो खैर और बरकत एक तरह से देखा जाए वो अल्लाह ताला की तरफ से तो मौजूद है हमने शायद खुद उसको ख़त्म कर दिया है जिसकी बुनियाद पर हम ऐसे मसाल का शिकार हो रहे हैं अगर हम पहले इसको देखें कि बरकत किन मायनों में हम इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ पर्शियन में भी राइज है ठीक और अरबी में भी अरबी है। में भी है जी अरबी में बरक़त को कई मायनों में लिया जाता है अरबी बहुत फसी वली ज़ुबान है एक मायने इसके वाफिर होने के भी हैं ठीक है ये तो इसके लफ्ज़ी मायने इस तलाहन हम इसको इन मायनों में लेते हैं कि हमारी थोड़ी चीज़ में गुज़ारा ज़्यादा बेहतर हो जाए कि अगर मेरे पास एक पाव चने हैं अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए तो मैं सौ आदमियों में तकसीम कर देता हूँ और वो हो जाते हैं तो हम इसको इस तलाहन बरकत को इन मायनों में समझेंगे आप ठीक जहाँ हिस्स आ जाएगी वहाँ बरकत ख़त्म हो जाती है बाबा शवाक की बात याद आ गई उनका प्रोग्राम जाविया इसी टीवी से चला करता था पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से जब वो बार बार इर्शात करते हैं इर्शात फरमाते हैं कि जो कुछ तुम दे रहे हो किसी को वो अल्लाह के दिए में से दे रहे हो और उस पर इबन ने भी बहुत तवील मतलब मज़ामीन है आपने भी कई बार उसको मुझे याद दिलाया वाक़ को तो मतलब यह है कि जो कुछ दे रहे हैं वो अल्लाह के दिए में से दे रहे हैं अपने पास से कुछ नहीं दे रहे इस सबको अगर इंसान याद रहे ना कोई डिप्रेशन रहेगा ना कोई तन्हाई का शिकार होगा बल्कि लोग करीब आना शुरू हो जाएंगे आप बेशक। बेशक। इस बारे में शाद फरमाइएगा कुछ मतलब नहीं ये तो बड़ा सादा सा नुस्खा है रब तआला से वसीतर रिस्क हासिल करने का के हम उसके बंदों में आसानियां तकसीम करनी शुरू कर दें ये अशफाक साहब का जुमला है जब हम दूसरों में आसानियां तकसीम करते हैं तो रब तला हमारे लिए आसानियां पैदा कर देता है हम रिस्क वसी चाहते हैं तो जो कुछ भी हमारे पास है वो एवर इज हम दूसरों में खुले दिल से तकसीम कर दें लेकिन इस नीयत से नहीं कि कई गुना हो के वह लौट आएगा इस नीयत से कि मेरा रब राज़ी होगा असल बात यह है कि जब हमारी जिंदगी का मतम नज़र एक हो जाता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए तो मामला तो खुद ठीक हो जाते हैं इंसान सही राह पर चल निकलता है तो ज़ोर इस पर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि रब मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए ठीक फला ही फला है उसमें हर तरह की ठीक अगर आप याद दीजिए इस प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं जैसे शाह साहब ने आखिर में एक जुमला एरशात फरमाया कि ज़ोर इस पर देना चाहिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए यहाँ तक कि वासिफ अली वासिफ़ साहब की जो एक दुआ है वो कहते हैं दुआ भी ऐसे मांगो कि ऐसा हो जाए कि मैं भी खुश हो जाऊँ और आप भी राज़ी हो जाओ मुझसे तो दुआ में असर भी ज़्यादा हो जाएगा अभी इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे अल्लाह हाफ